प्यारे बच्चों, आज के ऑनलाइन क्लास में मैं तुम्हें आव्यूह विधि से यानी मैट्रिक्स मेथड से दिए गए समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, समीकरण दिया रहेगा परीक्षा में, ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का आता है, समझ 8 मार्क का क्वेश्चन आया करता है। आव्यूह विधि से हल करना, एक होता है क्रेमर रूल से हल करने को, तो पहले आप लोग आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना सीखिए। पुराने कक्षाओं में कक्षा 9 और 10 में इसको आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन से बजगुणखंड से हल करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आव्यूह विधि से हल करना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रखें। तो आव्यूह विधि से बेटा समीकरण को हल करने का ध्यान रखें। मान लिया 2 समीकरण दिया है, 5x + 2y = 4 पहला इक्वेशन हो गया, और 7x + 3y = 5 दूसरा इक्वेशन हो गया। तो इसे आव्यूह से हल करना है, तो इस समीकरण को आव्यूह के रूप में आपको लिखना भी है। तो देखो, आव्यूह के रूप में कैसे लिखेंगे, जो x y के गुणांक हैं उनको, उनसे आपको आव्यूह बना देना है। देखो 5 2 7 3, तो 5 2 7 3 जो एक्स वाई वेरिएबल है उसको स्तंभ के रूप में ले दो। स्तंभ ना, देखो ये पहला स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, उस स्तंभ के रूप में ले दो। फिर बराबर है तो बराबर लगा दें। फिर 4 5 उसको भी स्तंभ के रूप में लिख दीजिए, मैंने स्तंभ में मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स हो गया, ऐसे लिख दिया। तो इसको तो मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं कैपिटल एक्स, इधर उसको कैपिटल बी, मैंने कैपिटल ए कैपिटल एक्स बराबर कैपिटल बी, जहाँ लिख देंगे ए बराबर, ये आपका ए मैट्रिक्स बन गया और ये आपका एक्स हो गया और ये आपका बी हो गया। इस प्रकार से मैट्रिक्स के रूप में बना लेते हैं। फिर इसके बाद जैसा आप जानते हैं, जैसे ए एक्स बराबर बी है, तो यहाँ से एक्स निकालते हैं, तो एक्स जब निकालेंगे तो ये चीज़ हटेगा, तो ये बटे में जाएगा इधर, तो बटे में जाएगा नीचे रहेगा, और नीचे जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, है ना। कोई चीज़ जानते हो भाई, नीचे है बटे में है हर में है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस लग जाता है, तो ये माइनस ए इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, इसी को बेटा इस प्रकार से भी कहा जा सकता है, जैसे कि कैंसिलेशन, जैसे ए एक्स बराबर बी लिखा है, अगर हम एक्स केवल लाना चाहते, ए हटाना चाहते हैं, तो दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करा दें, यहाँ भी ए इनवर्स और यहाँ भी ए इनवर्स, ऐसे तो ए इनवर्स से ए कट जाएगा, क्योंकि उल्टा हो गया उसका, तो केवल इधर एक्स बचा, और उधर कितना हो गया, ए इनवर्स बी हो गया। तो वही बात हो गई ना, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, चाहे मल्टीप्ल करके करिए चाहे डॉट कर दीजिए, अब उसको नंबर मान लीजिए। ठीक है, जैसे हम 1 2 कहे हैं, तो इसको आप 3 नंबर डाल दीजिए। तो इस प्रकार से x बराबर a इनवर्स b इस टाइप का लिखते हैं, ये समीकरण डाल दिया। अब सबसे पहले हमको देखिए a इनवर्स निकालना है। अब पिछले वीडियो में मैं a इनवर्स आप लोगों को सिखा चुका हूँ, फिर से दोहरा दूंगा। ठीक है, तो a इनवर्स निकालने के लिए मॉड a की आवश्यकता पड़ेगी, और एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसमें सबसे पहले मॉड ए निकालते हैं। अब देखो मॉड ए कैसे निकलता है, ए मैट्रिक्स जो दिया है 5 2 7 3, उसका मॉड निकालना है, तो मॉड माने प्रसार, ए का प्रसार करना, तो मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को आपस में गुणा करके द्वितीयक विकर्ण के एलिमेंटों को आपस में गुणा करके आपस में घटा देना ही, वही कहलाता है उसका प्रसार, यानी मॉड ऑफ ए निकालना। तो 5 3 15 हो गया, 7 2 14 हो गया, 15 - 14 = 1, ये मॉड ए की वैल्यू आ गई। ठीक, अगर बेटा मॉड ए 0 आ जाता तो वहाँ पर फिर यक्स निकालना संभव ना होता, असंगत हो जाता है, इनकंसिस्टेंट भी कहते हैं, संगत हल नहीं होता, क्योंकि तुम विगत कक्षाओं में कक्षा 10 में पढ़े हो ना, किसके अद्वितीय हल हैं, किसी कई हल हैं, किसके कोई हल नहीं है, है ना, उस अर्थ पढ़े हो, a1 / a2 नॉट इक्वल b1 / b2 हो तो अद्वितीय हल होता है ना, उस प्रकार आउटपुट कंडीशन है, तो वहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ मॉड ऑफ a इक्वल 1 है, इसका मतलब इनवर्स निकालना संभव है, ध्यान दें। अब इसके बाद a इनवर्स कैसे ज्ञात कर, ध्यान देंगे, a इनवर्स का फॉर्म जानते हो, a इनवर्स एडजॉइंट मैट्रिक्स a / मॉड ऑफ a ये होता है। अब एडजॉइंट निकालना है, तो कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं, ना कोफैक्टर विगत वीडियो में बता चुके हैं, तो कोफैक्टर निकाल करके उससे प्राप्त मैट्रिक्स बना लेते हैं, उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो एडजॉइंट निकल आता है। ठीक, फिर उसमें मॉड ए से भाग कर देते हैं, फिर उन मानों को यहाँ पर रखा जाता है, तो पहले समझो एडजॉइंट निकालना,
तो एडजॉइन कैसे निकलती है, मैं ट्रिक से बता दिया यहाँ पर, सौ ट्रिक से मैं तुमको ट्रिक बताया हूँ, यहाँ पर ट्रिक चल जाएगा क्योंकि समीकरण को हल करना है तो यहाँ चल जाएगा। तो क्या करते हैं ट्रिक में कि जो समीकरण जो मैट्रिक्स दिया रहे उसके मुख्य विकर्ण के अवयव को इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स ध्यान दो, ए मैट्रिक्स था 5 2 7 3। अब इसका एडजॉइन बताना चाहते हैं तो हमने क्या बताया, मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, ये 3 को 5 के पास 5 को 3 के पास रख दीजिए, ये कर दिया। और जो मुख्य विकर्ण सेकेंडरी विकर्ण है, मुख्य विकर्ण हो चुका, द्वितीयक विकर्ण है उसका केवल चिन्ह बदल दीजिए, यानी प्लस रहे तो माइनस और माइनस रहे तो प्यारे बच्चों प्लस कर दो, ये 7 है तो -7 कर दिया, और यहाँ ध्यान दीजिए और 2 है तो -2 कर दिया। इस प्रकार से जो मैट्रिक्स का उसका एडजॉइंट प्राप्त हो गया, ठीक है। अब मॉड ए आपका एक ही आया है तो ए इनवर्स निकालना है तो इसमें एक का भाग कर दीजिए, तो एक का भाग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दूसरी गिनती होती तो उस गिनती का प्रत्येक में भाग कर देते, यहाँ एक है तो वही ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब ए इनवर्स निकल आया, इस मान को समीकरण 3 में रख दिया, उसको हमने 3 मान रखा था, 3 समीकरण 3 क्या था, 3 ये था कि एक्स बराबर ए इनवर्स बी, ये एक्स तो एक्स जानते ही हैं, ए इनवर्स ये निकला हुआ, ये रख दिए। बी बी क्या था, 4 और 5 का समीकरण बनाए थे ना स्तंभ अभ्यूह, उसको रख दिया। अब इनको आपस में गुणा, अब गुणा इसकी विगत वीडियो में सीखे हो, सिखाया गया है तो सिखाया हो सारी चीज़, ध्यान दो इसको ठीक से। अब गुणा देखो, ये इसमें पहले वाले मैट्रिक्स में रो में चलते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कालम में चलते हैं, इस प्रकार से गुणा करने के तरीके समझ लो, पहला पहले में गुणा, दूसरा दूसरे में गुणा, अब बीच में प्लस चलता है, प्लस रखते हैं। देखो गुणा इसमें रो में चले, इसमें कॉलम में स्तंभ में, तो 3 का 4 से 4 से 12, ये देखो 3 चौक 12। फिर सेकंड ये है तो सेकंड ये है, 5 दूनी 10 -10 3 5 10 होता बीच में प्लस है लेकिन माइनस आए तो माइनस रखा जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर अब इसका इसमें हो चुका, आगे मैट्रिक्स होती तो उसी का आगे वाले में गुणा कर आगे लिखते, लेकिन आगे नहीं है तो उसमें नहीं। अब नीचे आ जाएंगे, दूसरे रो में चलेंगे, नीचे लिखेंगे दूसरे रो में, यहाँ भी लिखेंगे, फिर वही काम, -7 को 4 से ये हो जाएगा -7 गुणा 4। फिर प्लस बीच में, जैसे मैं बताया बीच प्लस होता है, सेकंड को सेकंड से 5 25 ये फिर भी है। अब इसे हल कर लीजिए, 4 3 12 5 2 10 7 4 28 और +25 ये 12 में 10 घटाए 2 ये घटा 3 आ गया, -3 आ गया। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका गुणा आ गया इधर का, ए इनवर्स ए बी आ गया, और लेफ्ट में तो कैपिटल एस क्या था, एक्स और वाई था, उसको लिख दिया मैट्रिक्स के फॉर्म में, इधर भी लिख दिया मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं तो संगत अवयव बराबर होते हैं, जानते हो तुम लोग, तो यह पहला एक्स है तो 2 के बराबर है, दूसरा है ना मैंने दूसरे रो का पहला स्तंभ, एक स्तंभ एक ही है, रो दूसरा है, पहला रो दूसरा रो, यहाँ भी बात है, तो वाई को -3 से तुलना कर लिया। इस प्रकार से एक्स का मान 2 और वाई का मान 3 -3, यही बेटा दिए गए समीकरण का हल हो गया। आप भी यूबी से लिखेंगे तो इसमें आपको 8 नंबर मिलते हैं, ध्यान दीजिए, इसी को 3 समीकरण बनता है, अभी 2 समीकरण मैं सिखा रहा हूँ। अब एक दूसरा प्रश्न भी समझा रहे हैं, देखना जैसे यदि 2x - y - 2 3x + 4y = 3, इसे आप व्यूबी से हल करिए, मैंने हल करने मतलब एक्स वाई जेड जो भी हो, यहाँ एक्स वाई है, एक्स वाई को मान बताना है, तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ax + ax = b के रूप में बनाते हैं। तो ध्यान दो, ए क्या था, ये गुणांक वाले बताया हूँ, 2 - 1 3 4, और कैपिटल एक्स जो एलिमेंट यहाँ वेरिएबल जो लिखे हुए हैं एक्स वाई, ये लिख दिया स्तंभ के रूप में, इधर लिखना है राइट तरफ तो -2 3 है, उसको भी स्तंभ के रूप में लिख दिया, ये आपका ए माना जाएगा, ये एक्स है ये बी है, उसी को आप लिख सकते हो ax = b, तो वहाँ से निकाल लोगे एक्स निकाल लोगे तो पक्षांतर करोगे तो ए इनवर्स भी हो जाएगा। अब इसको आपने मान ली 1 मान ली, नहीं इसको माने 1 2, तो इसको 1 मान ली कोई बात नहीं, तो यहाँ ये हो गया ए इनवर्स भी, तो ए इनवर्स का मान निकालेंगे, अब बी भी निकला ही है, फिर रख कर गुणा कर लेंगे, तुलना कर देंगे तो एक्स वाई का मान निकल आ जाएगा, वही हो जाएगा बी से हल करना। तो सबसे पहले ए इनवर्स जाने तो बता भी चुका हूँ, देख भी फिर से लो, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स ए बटे मॉड ऑफ ए, तो सबसे पहले मॉड ए ज्ञात करते हैं तो जो कि ए का प्रसार होता है। देखो ए क्या था, 2 - 1 3 4, अब इसका प्रसार कैसे करते हैं, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट को गुणा करके फिर माइनस बीच में सेकेंडरी विकर्ण का आपस में गुणा करके घटा देते हैं, वही होता है, तो 4 दुनिया 8 और 3 = -3, अब बीच में माइनस होता है तो माइनस प्लस बन जाएगा, बना देगा तो 8 3 11 ही हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए।
तीन प्रकार से जो मॉड ए निकला तो मॉड ए 11 आया जो कि जीरो नहीं आया। अगर जीरो आ जाता है प्यारे बच्चों तो समझ लो फिर ए इनवर्स निकल नहीं सकता, क्योंकि जीरो को भाग लगाओगे अब परिभाषित हो जाएगा, इनफाइनाइट रूप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर तो जीरो नहीं आया, 11 आया। तो एडजॉइंट अब निकालेंगे, तो एडजॉइंट इत मॉड निकला, एडजॉइंट कैसे निकलता है, एक तो कोफैक्टर विधि से निकाल लें, एक शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक यहाँ लगा दीजिए, तो मेन विकर्ण के एलिमेंटों को इंटरचेंज कर दीजिए, यानी चार को यहाँ, दो को यहाँ, और सेकेंडरी विकर्ण का चिन्ह बदल दीजिए, ये -1 लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि माइनस है तो +1 हो जाएगा, यहाँ +3 है तो -3, माने मुख्य विकर्ण के अवयव को इंटरचेंज और सेकेंडरी के साइन चेंज कर दिया जाता है, इस प्रकार से एडजॉइंट प्राप्त हो जाता है ना, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए निकालना पिछले भी PDF में मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, इस प्रकार से ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट मल्टी साफी मल्टी मॉड ऑफ ही, ठीक। एडजॉइंट क्या है वो तो निकल गया, मॉड ऑफ ही 11 है, इस 11 से प्रत्येक अवयव में भाग कर देंगे, एक भाग कर दिया, ठीक, कटता तो काट भी देते, नहीं कट रहा कोई बात नहीं, इस प्रकार से ये आपका ए इनवर्स निकल आया। तो इन्हें समीकरण एक में अब इनवर्स मान निकल आया, इसे समीकरण एक में रख दिया जाए, ए इनवर्स बी में, तो देखो रखो ये एक्स बराबर ए इनवर्स ये है, ये बी का मान जो होता रख दिया, अब आपस में गुणा, जैसे बताया हमको रो पहले मैट्रिक्स में रो से और दूसरे मैट्रिक्स में कालम से, संगत कालम से गुणा करके रखा जाता है। देखो 4/11 को ऋण 2 से गुणा कराओगे तो 4 × 8 -8/11 हो जाएगा, फिर सेकंड को सेकंड से, अभी जो प्लस चलता है 3 × 3 = 3/11, ऐसे दूसरे रो में आए हो तो दूसरे रो में नीचे लिखोगे ऋण 3 ऋण धन बन जाएगा, 3 × 6/11 और ये 3 × 6 = 6/11 हो जाएगा। अब ध्यान देना है ना, अच्छा जोड़ना तो यहाँ बीच में प्लस चिन्ह रहेगा ना बेटा, क्योंकि बीच में प्लस चलता है, ध्यान देंगे। अभी बेस समान आधार समान है तो सीधे ऊपर से देख लेंगे, प्लस होकर जुड़ जाएगा और चिन्ह ऋण होगा तो घट जाएगा, तो ऋण 8 में 3 घटाओगे तो ऋण 5, जो बड़ा चिन्ह होता है बड़ी संख्या होती है उसी चिन्ह माना जाता है, तो ऋण 5/11, यहाँ 6 × 6 = 12/11। अब तुलना कर लोगे एक्स को इससे और वाई को इससे, इसलिए एक्स बराबर -5/11 और वाई बराबर 12/11 आ गया। इस प्रकार से अभ्युपगम से समीकरण को हल करना हो गया। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से समझिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको 3 ऑर्डर की एडजॉइंट मैट्रिक्स सिखाऊंगा विस्तार से भी और शॉर्टकट ट्रिक से भी। इसके प्यारे बच्चों मन लगा के समझो, इसके आगे मैं आगे पढ़ाऊंगा। थैंक यू।